ठीक है, अब देखो ओशन फ्लोर, ये हम लोग हैं यहाँ पे रहते हैं हम लोग कॉन्टिनेंट में, ठीक है। मुंबई में अगर हम जाएंगे तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ चालू हो जाएगी, समुद्र के किनारे किनारे समुद्र का पानी यहाँ तक आता है, यहाँ तक ऐसे ऐसे करके जो लहरें आती है ना वो यहाँ तक आती है, ठीक है, यहाँ तक आता है पानी। तो धरती से कॉन्टिनेंट से हम समुद्र की तरफ जाने लगेंगे तो समुद्र अंदर ऐसा निकल के आएगा, यहाँ यहाँ से यहाँ तक पानी भरा हुआ है ये सब, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पानी भरा हुआ है ऐसे। ये पूरा पानी है यहाँ से नीचे 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 सब। तो तब ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ चालू हो जाएगी, कॉन्टिनेंट ऐसे करके गहरा होता जाएगा, नीचे 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 चला जाएगा। फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, वो कॉन्टिनेंट जो है बहुत तेजी से गहराई में जाएगा, यहाँ पर आप जरा भी आगे जाओगे बहुत गहरा हो जाएगा, किलोमीटरों गहरा हो जाएगा, ठीक है। फिर कॉन्टिनेंटल राइज होता है, मतलब बहुत हल्का सा स्लोप होता है यहाँ पे, ठीक है, मतलब यहाँ तक कॉन्टिनेंट ही है एक्चुअल में। यहाँ से ये जो है ना कॉन्टिनेंटल मार्जिन, यहाँ से इधर इधर जो है कॉन्टिनेंट ही है, ठीक है, ये जो जमीन के नीचे नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट का राइज होना शुरू होता है धीरे धीरे करके, फिर कॉन्टिनेंट का स्लोप आता है, फिर कॉन्टिनेंट का शेल्फ आता है, फिर एक पूरा कॉन्टिनेंट आ जाता है। फिर यहाँ से आगे जाएंगे तो पर्वत वगैरह आ जाएंगे, है ना। तो ये हुआ, इसके बाद में इन्हें ट्रेंच बोलते हैं, मरियाना ट्रेंच वगैरह सुना होगा, ये बहुत गहरी होती है, सबसे ज्यादा समुद्र में जो गहराई होती है इसी चीज की होती है, सबसे गहरी जगह है, ठीक है, 1 किलोमीटर गहरा होता है यहाँ से, बहुत गहरा होता है, ठीक है। फिर हम आगे जाएंगे तो कुछ जगहों पर सी माउंटेन होंगे, ठीक है, गेओट होंगे, गेओट कैसे बोलते हैं कि यहाँ पर पहले पुराना सी माउंटेन रहा होगा भाई, तो सी माउंटेन है वो तो ऊपर दिखेगा, लेकिन गेओट क्या होगा कि सी माउंटेन के ऊपर का हिस्सा धीरे धीरे घिस गया है, ठीक है, खत्म हो चुका है, तो वो बिल्कुल इसके सरफेस पर ही होता है, ठीक है, टापू सा हो सकता है, छोटा मोटा टापू हो सकता है, कुछ भी ना वो वाली जगह, ठीक है। ये मिड ओशियनिक रेजेज होती हैं, ठीक है, मिड ओशियनिक रेजेज कैसे हैं, जैसे ये अमेरिका है, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ठीक है, साउथ अमेरिका हो गया, यहाँ पे यूरोप हो गया है, फिर ये अफ्रीका हो गया पूरा, ऐसे करके, ठीक है, ये जगह हो गई पूरी टोटल। तो इसके बीचों बीच यहाँ पर ऐसे करके यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे पूरे पहाड़ है, ये पूरा पहाड़ी एरिया है जिस समुद्र के नीचे 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 अंदर अंदर, ये स्मूथ नहीं है, ये पहाड़ टाइप कैसे उठे हुए से, समुद्र के नीचे ही है ये। कौन सा ओशियन है, अटलांटिक, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक साउथ अटलांटिक है, ऐसे ही यहाँ पर ये जगह है, ये कौन सा ओशन है, ये है पैसिफिक, पैसिफिक है, तो पैसिफिक में भी ऐसे ही है, लाइन खींची हुई है बीच में, ठीक है। ये कॉन्टिनेंट जो थे ये दोनों, ये पहले आपस में जुड़े हुए थे, मैंने बताया ना ये दूर होते जा रहे हैं, जहां पर दूर होते हैं वहां से यहाँ से लावा निकलता है, ठीक है, लावा निकलता रहता है ऐसे ऐसे, तो मिड ओशियनिक रेज बन जाती है। फिर ये दूर होते चले जाते हैं, फिर नया लावा निकलता रहता है, नई लाइन बनती रहती है, वो लाइन यहीं की यहीं, धरतियां दूर होती जा रही है, तो आगे तो ये मिड ओशियनिक रेज होती है, बहुत लॉन्ग स्ट्रेच होती है, लंबी सी, मैं तो बता दी कितनी लंबी है, ठीक है। एबिसल प्लेन या ओशनिक प्लेन या ओशनिक फ्लोर इस जगह को बोलते हैं, यहां से लेकर यहां तक पूरा जो जगह है, जो समुद्र के नीचे की जगह है वो समुद्र की फ्लोर है, उसी को ओशनिक फ्लोर बोलते हैं, है ना। सेडिमेंट और ओशन फ्लोर वर्ल्ड 200 मिलियन वगैरह इतने साल पुराने हैं, कौन पूछने बैठा है यार, कोई नहीं पूछ रहा। ओल्डेस्ट रॉक ऑन द कॉन्टिनेंट आर 3200, इतने पुराने रॉक हैं पुराने, है ना। अलोंग द मिड ओशनिक रेंज देयर आर कंटिन्यूअस साइन ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी विच वॉज जनरली कन्फाइंड टू दिस रीजन ओनली, ठीक है, इसी रीजन में ही है पूरी वो वॉल्केनिक एक्टिविटी, में बताया यही होती रहती है बार बार, और धरती साइड में चली जाती है। एज वन मूव अवे फ्रॉम द रेज एज ऑफ द रॉक गेट ओल्डर टिल द ट्रेंच, ठीक है, मतलब ये बता रहे हैं कि यहाँ वाला और यहाँ वाला, और ये बीच में ये मिड ओशनिक रेज है, ठीक है,
तो यहां से इधर जितना दूर जाएंगे और यहां से इधर जितना दूर जाएंगे, दोनों पे सेम एज रहेगी और पुराने होते जाएंगे। यानी ये सबसे न्यूएस्ट है, ये ओल्ड है, फिर ये ओल्ड है, ये बहुत ओल्ड है ना। तब क्यों, तभी तो ये यहाँ से टूटना शुरू हुए थे, ये सब प्रूफ है ना। रॉक्स वर सिमिलर टाइप ऑन द बोथ साइड, मिड ओशन रेंज के दोनों साइड पे इक्वल डिस्टेंस पर बिल्कुल सेम टाइप की वो होती है रॉक, क्योंकि वो एक ही टाइम पर निकली है ना। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी निकलती है, ठीक है। ये कॉन्टिनेंट है ऐसे गया, ये उधर वाला कॉन्टिनेंट है ये ऐसे गया। कॉन्टिनेंट और सी की जो जहाँ पे फ्लोर मिलती है, यहाँ पे ट्रेंच बन जाती है, ये गहरी जगह है ना, ट्रेंच यहाँ पे बनती है, ये ऐसे ऐसे, ये गहरी जगह है कुछ, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंच बन जाती है, ठीक है। ये ओशन के बीच में, ये मैंने बताया ना, ऐसे करके करंट चल रही है जमीन में अंदर, ऐसे चल रही है ना। तो ये करंट्स जो है इस सरफेस को इधर भगा रही है, सरफेस को इधर भगा रही है, सरफेस दूर हो जाएंगे तो यहाँ से लावा निकल के ऊपर आएगा और यहाँ पे ऐसे फैलेगा, यहाँ पे मिड ओशन एक रिज बन जाएगी लंबी, यहाँ से लेकर वहां तक लंबी सी यही चलती रहेगी। ये कॉन्टिनेंट ऐसे है, ये कॉन्टिनेंट ऐसे है, और ये मिड ओशन एक रिज है, ठीक है। समझ में आ गया? सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है मिड ओशन एक रिज के साथ में, है ना। सी का फ्लोर यहीं से बढ़ रहा है। कन्वेक्शन इन द, तो तुम समझ गए, बाकी सब तो ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, है ना। सब सेम वही सब चीज निकली है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का में क्या होता है कि हमारी जो धरती है उसमें अलग अलग टुकड़े हैं, मास जमीन है एक तरह से, ठीक है। अलग अलग प्लेट्स हैं, ठीक है। कुछ पास आ रही है एक दूसरे के, कुछ दूर जा रही है एक दूसरे के, ठीक है। क्यों जा रही है? क्योंकि इसके नीचे करंट्स बह रही है। अब यहाँ वाली जो प्लेट होगी ऐसे करके, वो इधर जा रही होगी, इसके ऊपर वाली होगी वो इधर जा रही होगी, है ना। तो कुछ जो है एक दूसरे की तरफ जा रही है, जैसे ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, ये चलता रहता है जमीन के अंदर, ठीक है। तो कुल मिला के धरती में कितनी मेजर प्लेट्स हैं? 7 मेजर प्लेट्स हैं, ठीक है। माइनर प्लेट्स बहुत सारी हैं, और बहुत सारी हैं, ठीक है। प्लेट्स होगा, एक बार मैप देख लोगे एनसीईआरटी वगैरह में तो समझ में आ जाएगा, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। जितने भी कॉन्टिनेंट है, मान लो ये अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, तो ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये साउथ अमेरिका, तो इसमें साउथ अमेरिकन प्लेट है, ठीक है। यहाँ पे यूरोप और एशिया है, तो यूरोशियन प्लेट है पूरी, है ना। यहाँ पे मान लीजिए वो है अरेबियन कंट्रीज है, तो उसकी एक प्लेट है ना। ये अफ्रीका वगैरह की पूरी एक प्लेट है, ये इंडिया की तो सबको पता ही है एक प्लेट है ना। इधर साउथ ईस्ट एशियन कुछ कंट्रीज है, उनकी एक प्लेट है ना। फिलीपींस प्लेट वगैरह कुछ है यहाँ पे, तो वो सभी प्लेट्स हैं अलग अलग, वो सब एक दूसरे कुछ पास जा रही है एक दूसरे के, है ना, कुछ दूर जा रही है एक दूसरे, जैसे ये पास जा रही है, ये इसमें घुस रही है जाके, है ना। ये एक दूसरे से दूर जा रही है, ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है ना, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। यहाँ पर पैसिफिक ओशन में पूरी एक प्लेट है, ठीक है। ये यहाँ पे जा रहा है, ये इधर जा रहा है, टकराती है आपस में, यहाँ पे ज्वालामुखी निकल पड़ते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जापान है ना, तो जापान वाली भी एक प्लेट है, वो इधर जा रही है ना, ये इधर जा रही है, तो ये आपस में टकराती है, यहाँ पे ज्वालामुखी फैलता है। तो यहाँ पे पूरे में रिंग ऑफ फायर है, इस पूरे एरिया में चारों तरफ ज्वालामुखी निकलते रहते हैं, इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। समझ में आ गया कौन सी जगह पे, ये कौन सा ओशन समझ में आ रहा है? पैसिफिक ओशन है, ठीक है। पैसिफिक ओशन में रिंग ऑफ फायर है उसके चारों तरफ, ठीक है। इन कुछ प्लेटें मैंने जो बता दी है घुस रही है दूसरे में, ये सब याद रखना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्लेट प्लेटों के नाम क्या है? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरोशियन प्लेट, है ना, अफ्रीकन प्लेट, यही बताई ना मैंने, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। एक तो अंटार्कटिका है नीचे, ये धरती है इसमें अंटार्कटिका है, तो अंटार्कटिक प्लेट हो गई, ठीक है। एक पैसिफिक प्लेट मैंने बताया है ना, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंट जहाँ पे होती है, डाइवर्जेंट का मतलब होता है एक से दूसरे दूर जा रही हो, इसे डाइवर्जेंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे डाइवर्जेंट होता है, वहां पे रिज पैदा होती है, मिड ओशियनिक रिज बनेगी इस जगह पे, है ना। और जहाँ पर कन्वर्जेंट होती है, जहाँ पे दोनों मिल रही है, ये इधर, ठीक है, तो वहाँ यहाँ पर सबसाइडिंग होगी, एक से एक में दूसरे की, एक दूसरे के नीचे गुजर रही होगी। ये सी वाली जो है, ये कॉन्टिनेंट वाली के नीचे गुजर रही हो सकती है,
ठीक है, या कॉन्टिनेंट वाली सी वाली के नीचे घुस रही हो सकती है, तो सबसाइडिंग होती है ये। ठीक है, सबसाइडिंग मतलब यहाँ पे नीचे की तरफ जा रही है ये करंट्स, ये वाली करंट्स सबसाइडिंग है, ये राइजिंग है ना, ये यहाँ पे करंट है ऊपर उठ रही है। ठीक है, दो प्लेटें एक दूसरे के साइड बाई साइड ऐसे निकल के साइड बाई साइड भी जा रही हो सकती है, एक ऐसे इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। ठीक है, इसे ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जहाँ पे कन्वेक्शन राइजिंग हो रहे होंगे ऐसी जगह, ठीक है, वहां पे डाइवर्जेंस हो रहा होगा। ठीक है, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट हो, ठीक है, जैसे कि अफ्रीका का ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट ही दूर कट के जा रहा है ना, ओशियन कॉन्टिनेंट हो सकता है, ओशन ओशन हो सकता है, ये हो सकते हैं डाइवर्जेंस में। कन्वर्जेंट में क्या होगा, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट होगा, ओशन कॉन्टिनेंट ओशन ओशन। ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, ये वाला कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट ओशन कॉन्टिनेंट ओशन ओशन, ऐसे 9 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। ठीक है, टोटल में सेम ही है और क्या। तो प्लेट यार छोड़ो ना, छोड़ो, इसकी ज्यादा सिर मारने का फायदा नहीं है, इतना ही सफिशियंट था। इन इन प्लेटों के नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट, कितनी प्लेटें हैं, 7 हैं बस, ये इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ जाए, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, प्लेट इंटरेक्शन पॉसिबल, प्लेट का इंटरेक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट से इंटरेक्ट कब कर सकती है, जब एक ओशन हो और दूसरी ओशन हो। ठीक है, ओशन ओशन की प्लेट्स हैं आपस में इंटरेक्ट कर सकती है, ओशन कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट ये आपस में इंटरेक्ट कर सकती है। ठीक है, अगला चैप्टर डाइवर्जेंट मूवमेंट। ठीक है, कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट दूर जा रहा हो सकता है तो क्या होगा। ठीक है, एक हिस्सा कॉन्टिनेंट का इधर जाएगा, दूसरा हिस्सा कॉन्टिनेंट का उधर जाएगा, दूर चले जाएंगे तो ये गड्ढे में घुस जाएंगे नीचे। ठीक है, और नीचे क्या है, और ये कब हो रहा होता है, ये कब हो रहा था, जब एक वेव कन्वर्ट इधर जा रही हो, वो वाली कौन सी, क्या बोलते हैं इनको, नाम भूल जाता है उनका, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन जो है वो ऐसे जा रहे हो। ठीक है, तो कन्वेक्शन ऐसे जा रहे हैं, तो और ऑब्वियसली इसका तो ऊपर चढ़ रहा है, और ये जो कॉन्टिनेंट के टुकड़े हैं ये जमीन के नीचे घुसने लगे तो क्या होगा, ये गर्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत गर्मी है ना, गर्मी ऊपर चढ़ रही है, इसे पिघला देगी, पिघला देगी तो फिर क्या होगा, यहाँ से साइड से निकालेगी ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे वो वॉल्केनो बनने लगेंगे, वॉल्केनो में से वॉल्केनो निकल के बाहर आएगा। ठीक है, तो इसे फॉल्ट या रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, अरे यार इसकी पूरी कहानी है, देखो मैं बता रहा था ना, ये यहाँ पे हो रहा है, ये ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट जोन है। ठीक है, इंडिया में विंध्य और सतपुड़ा जो है रिफ्ट से ही बनी है, ये विंध्याचल और सतपुड़ा भी ऐसे ही बनी है, इसी तरीके से फॉल्ट की वजह से ही बनी है, ये रिफ्ट से बनी है, इसीलिए यहाँ पे जो वैली है, जो बीच की जगह है, इसे रिफ्ट वैली बोलते हैं, और यहाँ पर नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा कौन कौन सी है, ये विंध्याचल है, ये सतपुड़ा है। ठीक है, और इनके बीच में नर्मदा नदी है, नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदियां बहती है रिफ्ट वैली में होंगी। ठीक है जी, तो ये बहुत पुरानी है, भारत में जितने भी कॉन्टिनेंट में ना, ये जो है, ये है अरावली पर्वत है ना, या यहाँ पे डेक्कन का पठार है, ये सब बहुत पुराने हैं। ठीक है, बहुत ही पुराने, तो सोच भी नहीं सकते इतने पुराने, और जो हिमालय है वो बिल्कुल न्यू है। ठीक है, अब इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही सफिशियंट है जितना हमने जान लिया। ऐसे ही ओशन ओशन से दूर जा रहा होगा, तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि मिड ओशन एक रिज बन जाती है यहाँ पे। ठीक है, और ओशन और कॉन्टिनेंट एक से दूसरे एक दूसरे से दूर जा रहे हो ऐसा नहीं हो सकता है, ये कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे ओशन है, तो वो एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते, कैसे चले जाएंगे, सोच के देखो, नहीं जा सकते। ठीक है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री एक से एक दूसरे के पास आ रही होंगी, जैसे हिमालय आया है। ठीक है, तो ओशन ओशन वाली आपस में एक दूसरे के पास आ सकती है, तो जो भारी वाली होगी वो नीचे घुस जाएगी, जो हल्की होगी ऊपर रह जाएगी, जब ये नीचे घुसेगी तो पिघल जाएगी, यहाँ पे पिघल जाएगी तो ऊपर चढ़ेगी है ना, यहाँ पे पिघला हुआ मेटेरियल ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, वो ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा तो फाड़ देगा, इसे छेद कर देगा इस मार पर, क्योंकि बहुत पतली है, मैंने बताया ना, कुछ ही किलोमीटर की होती है, ज़्यादा मोटी नहीं होती, तो
तो इसमें से आर पार निकल के यहाँ पे ज्वालामुखी बन जाएगा। तो ओशन के अंदर तुमने देखा होगा, मैं बताया था ना, ज्वालामुखी बन जाते हैं, है ना, या पहाड़ बन जाते हैं, वो इसी से बनते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे क्रिएट हो जाएंगे, है ना। ये रशिया है, ये यूएसए है, ठीक है, ये पैसिफिक प्लेट है, ये वाली पैसिफिक प्लेट है ना। तो ये पैसिफिक प्लेट ऊपर की तरफ को ऐसे दबाव डाल रही है यहाँ पे। यहाँ पे जापान है, ये पैसिफिक प्लेट ऐसे दबाव डाल रही है इधर की तरफ। तो यहाँ पे ओशन ओशन वाली जो है टकरा रही है इस जगह पे। ठीक है, ओशन और कॉन्टिनेंट कैसे टकराते हैं? ओशन वाली आएगी, सॉरी, ओशन वाली ये है, कॉन्टिनेंट वाली ये है। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट वाली ओशन के नीचे घुस जाती है। ठीक है, और घुसने के बाद में इतना हिस्सा जहाँ से कॉन्टिनेंटल शेल्फ चालू हुई थी, वो पूरा पूरा इसके नीचे घुस के पिघल जाके खत्म हो लेता है। ठीक है, पिघल के यहाँ पे ज्वालामुखी बना लेता है, खत्म हो जाता है, ये आपस में टकरा जाती है। फिर यहाँ पे ओशन और कॉन्टिनेंट चिपक जाते हैं। ठीक है, ये रहता है इसका सिस्टम। ठीक है, ऐसे ही कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट में क्या होगा? तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट जब आप पहले कॉन्टिनेंटल का ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह होगी, ये कॉन्टिनेंट के नीचे घुसेगी, यहाँ पे ज्वालामुखी बनाएगी, है ना, ये वाले ज्वालामुखी बनाएगी, और फिर ये चिपक जाएंगे आपस में। ठीक है, दो कॉन्टिनेंट आपस में चिपक जाएंगे, जैसे कि भारत का हुआ है ना। भारत कॉन्टिनेंट, यहाँ पे कॉन्टिनेंट था, भारत भी कॉन्टिनेंट है, आके चिपक चिपकने के लिए गया, तो वो नीचे घुस गई प्लेट, नीचे घुस गई, तो यहाँ पे ज्वालामुखी बने, पहले पहले ज्वालामुखी बने, फिर ये पूरी खत्म हो गई, इसके जो नीचे नीचे वाली थी, ये कॉन्टिनेंट शेल्फ वाली पूरी खत्म हो गई। तो खत्म होने के बाद में ये भारत जो है पूरा ऐसे टकरा गया इससे पूरी तरह से। तो यहाँ पर पहले पीछे की तरफ को मिलेंगे ज्वालामुखी, ठीक है, और आगे की तरफ को मिलेंगे फोल्ड, ऐसा है सिस्टम। समझ में आ गया? उधर ज्वालामुखी मिलेंगे, इधर फोल्ड मिलेंगे, और सबसे इधर फोल्ड अभी बन रहे हैं, बिल्कुल न्यूएस्ट है। इसीलिए पूछते भी हैं कि शिवालिक सबसे नया है कि कौन सा सबसे नया है, तो शिवालिक सबसे नया है जो इधर की तरफ बना है, सबसे नीचे वाला, क्योंकि अभी वो बन रहा है, अभी और टकरा रहा है, अभी और बनना शुरू होगा, और पर्वत बनेंगे। ठीक है, चलता है। ठीक है जी, और इसने बताया है कि क्योंकि यहाँ पर समुद्र था, ठीक है, समुद्र था, तो यहाँ पे सेडिमेंट थे, सेडिमेंट जानते हो ना, नदियां जो बहा के लाती हैं मिट्टी वगैरह, वो सब सेडिमेंट होते हैं, वो सब यहाँ पे इकट्ठे थे। अब पहले इतनी जगह में थे, फिर वो सारे सारे यहीं पे आ जाएंगे, इतनी थोड़ी सी जगह में आ जाएंगे। तो यानी कि हमारा जो हिमालय पर्वत है, अगर मान लो ये इंडिया है, ये चाइना है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बना होगा? ज्वालामुखी। तो यहाँ पे जो मिट्टी होगी, यहाँ की जो जमीन होगी, वो ज्वालामुखी बनी होगी। ठीक है, और यहाँ पर इस जगह पर जो होगा, वहां पे क्या होगा? सेडिमेंट होंगे, क्योंकि तो सेडिमेंट नीचे से ऊपर आ गए। तो इसीलिए हमारी जो नदियां हैं, जो ऊपर से बह के आती हैं, उनमें से जो फॉसिल निकलते हैं, वो फॉसिल निकलते हैं समुद्री जीवों के। हिमालय से समुद्री जीवों के फॉसिल बहते हुए आ रहे हैं, हमारी गंगा नदी वगैरह अच्छा रोज निकलते हैं, जिनको तुम वो बोलते हो ना, क्या बोलते हैं, अरे वो नाम मुझे याद नहीं रहता, वो अंधविश्वास वाले लोग होते हैं ना, जो कहते हैं कि भाई जैसे रुद्राक्ष होता है ना, या ऐसे टाइप की चीजें होती है ना, ऐसी एक और चीज होती है, वो सीप टाइप की सी होती है, समुद्री जीवों की सीप से बनी हुई होती है, फॉसिल होते हैं उसके, वो तो दिखा दूंगा, नेपाल में बहुत मिलते हैं। तो वो सब इन्हीं नदियों में, इनमें ये वही फॉसिल है। ठीक है, मुझे वो बताओ कि तुमने वो सुना है, क्या नाम है उसका, मानसरोवर झील, वो क्या है, मीठे पानी की है, खारे पानी की है? एक तो खारा कहाँ से आया? समुद्र से आया, और कहाँ से आया है? बराबर मीठा तो बारिश से आ ही जाएगा कहीं से भी। ठीक है, तो हाँ तो होंगे ना, तो पुराना जो जो खारा खारे वाला है वो समुद्र से। वाला जो है वो बारिश अरे वहां पे वहां से नमक निकल के थोड़ी ना आ रहा है, कोई नमक निकालते रहो तो खारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो, ये भी चैप्टर खत्म हो गया। माउंट सेंट हेलेंस ये अमेरिका में है, टॉप ऑफ माउंटेड इरप्टेड इन 1961 में, लेड टू मैसिव इरप्शंस, बहुत सारे इरप्शन हुए, ज्वालामुखी के निकलने को इरप्शन बोलते हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड में ओशन ओशन कन्वर्जेंस है, ये भारत है। ठीक है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है ना, यहाँ पर, तो वहाँ पे ओशन ओशन कन्वर्जेंस है, इधर से और इधर से,
ये हमारी भारत की प्लेट है पूरी, यहां से ऐसे करके जा रही है भारत की जो पूरी प्लेट है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ भी जा रही थी, इस तरफ भी जा रही थी, ऐसे ये डायरेक्शन थी, और इधर दूसरी प्लेट है पुरानी ओशन की, तो ये दोनों ओशन ओशन प्लेट इस जगह पे टकरा रही है, कन्वर्जेंट हो रही है, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ पे वॉल्केनो बन रहा है जो बैरन आइलैंड है वहां पे, जो एक्टिव है, ठीक है, बैरन आइलैंड एक्टिव है ना, ये बैरन आइलैंड जो है वो ज्वालामुखी है, ठीक है, और नारकोंडम है, सैडल है, सैडल पूछते हैं और बैरन पूछते हैं, पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, वॉल्केनो ये एक्टिव वॉल्केनो भारत का एकमात्र, ठीक है, ये कहाँ पे, अंडमान में है, ठीक है। एलबुरुस पीक ये कॉकेशस माउंटेन है, मैक्सिमम हाइट इन यूरोप, यूरोप में कॉकेशस माउंटेन है, उसमें एलबुरुस पीक जो है माउंट जो यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक है, ये सब पेपर में आता है पीसीएस में। ओशन ओशन फॉर फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड अंडमान निकोबार ऑल आइलैंड्स, ये सब ओशन ओशन से बने हैं, ठीक है। ओशन कॉन्टिनेंट से कौन कौन से आइलैंड वगैरह बने हैं, एटलस माउंटेन, अल्पाइन माउंटेन, ठीक है, कई सारी पीक हैं मेडिटेरेनियन में, ठीक है, एटना, स्ट्रोम्बली, और माउंट सिसली, ये सब है, ठीक है। हिमालय जो है वो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट वाले से टकराने से बना है ना, तो हमने पढ़ ही रखा है हिमालय टू यूरोप एंड ऑन राइट साइड के जितने माउंटेन है वो सारे सारे यूरोप के सीधे हाथ पे जो माउंटेन है ना, लाइन से है, तुम देखो एटलस में देखोगे तो ये इंडिया है, ये हिमालय, फिर इसके इधर 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 पूरा यूरोप, तो बहुत सारे माउंटेन लाइन से है, वो सब वो इसी कारण से बने, वो सब टक्कर की वजह से बने, ठीक अफगानिस्तान है। भी बहुत है। हाँ वो उसी यही सेम ही लाइन है, वो लाइन ही है यहाँ से वहां तक, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड ओरोजेनी, ठीक है, ओरोजेनी इज नॉट अ कंटिन्यूअस हैपनिंग प्रोसेस, ये तो वो तो पता ही है, ये तो होती रहती है, फिर बंद हो जाती है, फिर होना शुरू हो जाती है, ये सब चलता रहता है लगातार, ठीक है, बाकी सब कोई जरूरत नहीं है। यंगेस्ट कौन कौन से याद कर लो, कर लो, अल्पाइन यंगेस्ट कौन से जो स्टिल अभी भी बन रहे हैं, वो है एंडीज, रॉकी, हिमालय, आल्प, एटलस और अराकनियोमा। तो अराकनियोमा इंडिया में, तो हिमालय का ये वाला पार्ट है, ये अराकनियोमा है, ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, उसके नीचे इधर की तरफ अराकनियोमा है, हिमालय तो बताइए, हिमालय ये अराकनियोमा हो गया है ना, रॉकी ये कहाँ पे है, अमेरिका में ना, ठीक है, अमेरिका एंडीज में याद नहीं है, ठीक है, ठीक है, एटलस कहाँ पर है, एटलस ये अफ्रीका में है, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, अफ्रीका में एटलस माउंटेन है, आल्प जो है वो वाला कौन सा है, साउथ अमेरिका का जो ये वाला माउंटेन है, ये वाला नहीं, आल्प नहीं, आल्प तो वहां पे है, आल्प जो है ना ये इटली है, ये इटली के ऊपर यहाँ पर है आल्प माउंटेन कहीं, ठीक है, ये आल्प है। रॉकी शायद अमेरिका में, इतना मुझे पता है, एंडीज मुझे याद नहीं कौन सा है, ठीक है, ये सारे जो है यंगेस्ट है। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट इन कॉन्टिनेंट, एग्जाम्पल है सैन एंड्रियास, ठीक है, लॉस एंजलिस के पास है अमेरिका में, ठीक है, चिली और न्यूजीलैंड, चिली और न्यूजीलैंड और सैन एंड्रियास, ये सब जगह जो है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, ऐसे ऐसे जो है आपस में साइड बाई साइड जा रहे हैं ये, हैं, ठीक है जी, ट्रांसफॉर्म ओशियन में होंगे, यार कौन पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। इंट्रा प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी, हाँ जो प्लेट के बीच में भी कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी हो सकती है, ये आइसोलेटेड मैग्मा डेंस, क्या लिखा है मैंने, लेस देन लेस डेंस एंड लेस बेलास्टिक, ठीक है, बेसाल्टिक, ठीक है, तो बहुत कम बेसाल्टिक और बहुत कम डेंस, ठीक है, कहीं पर ये एक धारा टाइप की सी होती है, ऊपर की तरफ को जाती है, सिंपल आइसोलेट होती है, वैसे तो सारी धाराएं ऐसे करके फ्लो हो रही हैं, ठीक है, उसके बीच में कहीं पर हीट की वजह से या किसी वजह से यहाँ से ऐसे लगातार लावा जो ऊपर की तरफ चढ़ता है, ठीक है, और चढ़ता है और इसे तोड़ के समुद्र में, समुद्र के अंदर कॉन्टिनेंटल ये जो शेल्फ है
वो ये ओशनिक फ्लोर है, ओशनिक फ्लोर को तोड़ के और यहाँ पे ज्वालामुखी बनाना शुरू कर देता है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसे शील्ड वॉल्केनिक फॉर्मेशन कहते हैं, ढाल टाइप की बन जाती है ऐसे करके, ठीक है। ये एक्सप्लोजिव नहीं भी हो सकती है, जैसे हवाई आइलैंड है ना, हवाई आइलैंड कहाँ पे है, ये अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, उसके यहाँ पे कहीं पे हवाई आइलैंड पड़ते हैं, तो लाइन से हैं, पहले ये फॉर्म हुए, फिर ये फॉर्म होंगे, फिर ये फॉर्म होंगे, फिर ये फॉर्म होंगे, ऐसे करके फॉर्म हो ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है इधर की तरफ को फ्लो हो रहा है, ये इधर जा रहा है, ये जो ओशन फ्लोर है, तो ये उसी जगह पर रहता है, ठीक है। तो जब पहले यहाँ, पहले ये जगह यहाँ पर थी, अब धीरे धीरे शिफ्ट होती जा रही है, तो अभी वो यहाँ पर चल रही है, ठीक है, ऐसे चलता है इसमें सिस्टम, ठीक है। इसे हॉटस्पॉट बोलते हैं वैसे। तो भारत में जो ये जो है, अच्छा पहले पहले ही पढ़ लेते हैं, हॉटस्पॉट कौन कौन से, हवाई, गैलापागोस आइलैंड है, अजोर्स आइलैंड, रीयूनियन, सारे आइलैंड है, ठीक है। येलो स्टोन, येलो स्टोन एक कॉन्टिनेंट में है, तो ये सारे जो है ये हॉटस्पॉट से बने हैं, ठीक है। भारत में भी इस हॉटस्पॉट का असर पड़ा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रीयूनियन हॉटस्पॉट है, ये रीयूनियन आइलैंड है एक जगह पे भारत के नीचे, ये अभी भारत मान लीजिए यहाँ पर है, तो इसके नीचे इस जगह पर एक रीयूनियन हॉटस्पॉट है, ठीक है। तो भारत कहाँ से आया, भारत नीचे से आया, नीचे से ऐसे करके जा रहा था, तो वो जब रीयूनियन के ऊपर था तब वहां पर ज्वालामुखी निकला, ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर डेक्कन प्लेटू के जहाँ पर है वहां पर, और इतना ज्यादा लावा निकला कि पूरा डेक्कन प्लेटू में सैकड़ों किलोमीटर पूरे में लावा फैल गया। फिर बहुत धीरे धीरे करके आया, वो पूरा कॉन्फ्रेंस किया था। हाँ और क्या, लाखों सालों में पहुंचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे में इतनी जगह में, इतनी जगह में यहाँ पे पूरे में लावा फैल गया, तो उसकी वजह से भारत में साउथ इंडिया में जो है बेसाल्टिक मैग्मा फैल गया और वहां पे पूरा पत्थरों का बन गया है। हिमालय की खाई से खाई बढ़ती जा रही हाँ बढ़ती जा रही, बढ़ती रहेगी, हमेशा बढ़ती रहेगी, ठीक है। रीयूनियन आइलैंड इज लेटेस्ट फॉर्मेशन ऑफ रीयूनियन हॉटस्पॉट, रीयूनियन हॉटस्पॉट का लेटेस्ट जो फॉर्मेशन है वो रीयूनियन आइलैंड है, ठीक है। अर्थक्वेक, सुनामी और वोल्केनोज, ठीक है, इतना हुआ, ये भी खत्म होने वाला है यार, यहाँ पे खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो अर्थक्वेक जो है वो दो वजहों से बन सकते हैं, एक तो टेक्टोनिक वजह हो, वॉल्केन वॉल्केनो निकला है, लार्ज लैंडस्लाइड हो जाए और एक्सप्लोजन हो जाए ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, या फिर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से और भी हो सकते हैं, जैसे बहुत बड़ा रिजर्वायर वगैरह बना दिया जाए, ठीक है, माइनिंग कर दी जाए बहुत गहरी या बहुत बड़ी माइनिंग हो, वो सब माइनिंग वाला चीज गिर जाए धम्म से, है ना, हाई प्रेशर वेव हो है, और वैक्यूम की वजह से हो सकता है, हो सकता है कि आपने ज्वालामुखी विस्फोट कर दिया हो, वो परमाणु विस्फोट कुछ किया हो, इन सब चीजों से जो है ये अर्थक्वेक क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ, लोकेशन इन साइड अर्थ, शैलो फोकस हो सकता है, ठीक है, बहुत ही ऊपर ही हो यहीं पे फोकस हो। सेकेंड नंबर पे इंटरमीडिएट फोकस हो सकता है, यहाँ पे कहीं हो सकता है, ये जो अंदर जा रही है ऐसे ये यहाँ पर क्रैक हो जाए तो ज्वालामुखी वो अर्थक्वेक नहीं आ जाएगा, पूरा हिल जाएगा, तो या तो यहाँ पे हो सकता है, या थर्ड क्या है, डीप फोकस हो, बहुत गहरे में हो उसका फोकस, ठीक है। तो ये भी बता रखा है कि ये कांटेक्ट पर होता है, यहाँ पे ये दोनों प्लेट, ये एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है, ठीक है, तो उनका जहाँ पे कॉन्टेक्ट हो रहा है वहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रखा है बहुत टाइम से और बढ़ता ही आ रहा है प्रेशर, एक टाइम को वो सरकेंगे, जैसे ही हजारों किलो अरबों किलो कि रॉक्स आपस में टकरा के ऐसे रगड़ जाए तो क्या होगा, पूरा झटका सा हो जाएगा, बस वही होता है भूकंप, 1 सेकंड के लिए होता है, थोड़ी देर के लिए तुरंत झटका सा होगा, बस तबाही मच जाएगी, है ना। या फिर ये कंप्रेशन ऑफ एस्थेनोस्फेयर, ये जो लाइन है इसका यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा हो, टूटने वाली हो या क्रैक हो जाए, ठीक है, डीप फोकस में मेल्टिंग हो जाए, या फिर ये टूट के ये पोर्शन अलग हो रहा हो, छूट के अलग हो रहा हो, पिघल पिघल के बीच का पोर्शन अलग टूट जाए, उन सब की वजह से वोल्केनो बन सकता है, वो सॉरी अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक है। इफ सेम एनर्जी विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द थ्री डेप्थ्स,
डेप्थ द मैक्सिमम एनर्जी विल बी फेल्ट फ्रॉम शैलो बट डीप विल बी फेल्ट टिल मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा जो अगर सेम एनर्जी के साथ में उनमें टक्कर हुई है तो सबसे क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी जो फील होगी हमें वो इसकी होगी, क्योंकि वाले शैलो वाले की, इसकी सबसे ज्यादा एनर्जी फील होगी क्योंकि सबसे हमारे पास में ही है, बिल्कुल पास में ही हो गया। जो गहरा है उसकी सारी सब एनर्जी टोटल यहाँ पर है, फिर एनर्जी यहाँ पर कम हो जाएगी, फिर इतने में कम हो जाएगी, जब तक वो ऊपर तक आएगा तब तक एनर्जी काफी कम हो चुकी है। पूरी एनर्जी जो यहाँ पर थी वो पूरी एनर्जी अभी इतने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, तो थोड़ी यहाँ पे कम कम असर होगा। और ये तो यही कहीं हो गया, तो आसपास वालों को सोचो क्या हालत होगी। तो एनर्जी जो है बाद में दूर दूर जाने पे फिर एनर्जी कम होती जाएगी, लेकिन यहाँ पे आसपास वाले एरिया में तो बहुत ज्यादा एनर्जी होगी ना, तो यहाँ पे भूकंप ज्यादा फील होगा। लेकिन जो डेप्थ वाला है, ठीक है, इसका मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसे ट्रेवल होने के लिए खूब डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, और इसके लिए ट्रेवल होने के लिए सरफेस पे ही डिस्टेंस शायद जितना जाएगा उतना ही आगे खत्म हो जाएगा। ये चीज अर्थक्वेक एंड देयर मेजरमेंट। अर्थक्वेक जो है मेजर दो तरीके से किया जाता है, इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड। ठीक है, इंटेंसिटी करी जाती है मरकेली स्केल पर, ठीक है, 1 से 12 होती है, नॉन साइंटिफिक है ये, कोई नहीं पढ़ता इसे, कभी सुना है मरकेली स्केल पर इतना भूकंप आया, कभी नहीं। ये इंटेंसिटी मापता है, 1 मैग्नीट्यूड होता है, ये सिस्मोग्राफ से मापते हैं, ये तो सबने पढ़ा है। ठीक है, मेजरमेंट एम्पलीट्यूड का करता है ये, ठीक है। स्केल जो है कौन सा है, रिक्टर स्केल है, जिसकी वैल्यू 1 से लेकर 8 तक होती है रिक्टर स्केल पे, है ना। ये लॉगरिथमिक स्केल है, लॉग लॉग बेस 10 के आधार पे बना हुआ है। ठीक है, यानी कि हर एक नंबर के पे 10 गुना हो जाएगा, यानी रिक्टर स्केल 1 से अगर रिक्टर स्केल 2 है तो 10 गुना है, रिक्टर स्केल 3 है तो 100 गुना, 4 का मतलब 1000 गुना इसके कंपेरिजन में। ठीक है, 5 का मतलब 10,000, 6 का मतलब समझ रहे हो ना, 10 के गुने में बढ़ता जाएगा उसकी इंटेंसिटी। यूनिट 1 यूनिट ऊपर जाती है तो 10^1.5 यानी कि 31 गुना एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी के टर्म्स में। मैग्नीट्यूड के टर्म्स में 10 गुना होगी और एनर्जी के टर्म्स में 31 गुना होगी। ठीक है, स्केल मोमेंट स्केल एक और स्केल होता है, ये रिक्टर स्केल ऐसे मोमेंट स्केल स्केल होता है, ये मोर एक्यूरेट स्केल होता है, मोमेंट स्केल कभी नहीं पढ़ा हुआ तुमने। ठीक है, स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक इज ग्रेटर देन 8, ये इस वाले में होता होगा। ठीक है, हमने तो रिक्टर स्केल पढ़ना है, 1 से लेकर 8 तक होता है। ठीक है, यहीं पे खत्म करते हैं।